नमस्कार दोस्तों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की इस सीरीज़ में मैं शगुन आप सभी का स्वागत करती हूँ यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आपको याद होंगे 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स जिन्हें पॉपुलरली 2611 इलेवन कहा जाता है इन अटैक्स ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था जिसके चलते देश में टेरर रिलेटेड क्राइम से लड़ने के लिए एक सेपरेट फेडरल एजेंसी की ज़रूरत महसूस की गई और अगले ही साल यानी कि 2009 में टेररिज्म से लड़ने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस्टैब्लिश किया गया इसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट एक्ट 2008 जिसे भी कहा जाता है उसके प्रोविजन के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया ये हमारे देश की सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और ब्रांच ऑफिस हैदराबाद गुवाहाटी मुंबई लखनऊ कोची कोलकाता जम्मू और रायपुर में लोकेटेड है इसके साथ-साथ का एक सेपरेट स्पेशलाइज्ड सेल है जिसे टी एफ एफ सी सेल कहा जाता है जो कि फेक करेंसी नोट्स और टेरर फंडिंग से डील करता है हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं इनकी पास स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बराबर होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है और इन्वेस्टिगेशंस के दौरान स्टेट गवर्नमेंट इन्हें असिस्टेंस और कोऑपरेशन प्रोवाइड करती है आइए दोस्तों अब एक नजर डालते हैं एनआईए के फंक्शंस पर इसके मेजर फंक्शंस होते हैं एनआईए एक्ट के स्केड्यूल्स में मेंशन वेरियस एक्ट्स के अंडर आने वाले ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट और प्रोसीक्यूट करना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को असिस्टेंस देना और उनसे असिस्टेंस लेना एन आई एक्ट के प्रोविजंस के स्पीडी और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए नेसेसरी मेजर्स लेना दोस्तों एन का एम है एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनना जो बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करती हो साथ ही साथ एक हाईली ट्रेन पार्टनरशिप ओरिएंटेड वर्कफोर्स को डेवलप करना एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल टेररिस्ट ग्रुप्स या इंडिविजल्स के लिए डी टेरेंस क्रिएट करना और टेररिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के स्टोरहाउस के रूप में डिवेलप होना और इसका मिशन है इन्वेस्टिगेशन के लेटेस्ट साइंटिफिक मेथड्स को यूज करना इफेक्टिव और स्पीडी ट्रायल्स एंश्योर करना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज ऑफ लैंड को अपहोर्ड करना इंडिविजुअल्स के ह्यूमन राइट्स और उसकी डिग्निटी के प्रोटेक्शन को प्राइम इम्पॉर्टेंस देना रेगुलर ट्रेनिंग और एक्सपोजर से प्रोफेशनल वर्कफोर्स डेवलप करना दूसरी कंट्रीज के टेररिज्म रिलेटेड लॉज को स्टडी और एनालाइज करना और एजेंसीज़ की सभी एक्टिविटी में मॉडर्न मेथड्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना दोस्तों अगर हम इसके जूरिस्टिक्शन की बात करें तो एन उन सभी ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट कर सकती है जो इंडिया की सोवरेनिटी सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को स्टेट की सिक्योरिटी को और फॉरेन स्टेट्स के साथ साथ फ्रेंडली रिलेशंस को अफेक्ट कर रहे हो। साथ साथ ही ये उन ऑफेंसेस को भी इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट कर सकती है जो इंटरनेशनल ट्रीटीज अग्रीमेंट्स कन्वेंशन और यू इसकी एजेंसीज और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इना की गई एक्ट के अंडर आते हों NIA के पास टेरर अटैक्स को प्रोप करने की पार्ट भी होती है जिनमें ब्लास्ट, एयरक्राफ्ट और शिप्स की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक्स और मास के वेपन्स का यूज शामिल हो यह 2019 में इसके जोरसडिक्शन को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था और अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग काउंटरफीट करेंसी और बैंक नोट्स मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स साइबर टेररिज्म और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस से रिलेटेड ऑफेंसेस को प्रूव करने की पार्ट भी रखती है तो दोस्तों यही थे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो यूजफुल लगी होगी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रीफ में समझने के लिए जुड़े रहिए स्टडी आईक्यू एजुकेशन से मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग